सूचना प्रौद्योगिकी संगणक के इस्तेमाल से सूचना का प्रसारण जो एक और शून्य के रूप में संग्रहित होती है। एक और शून्य, वो अंक जिनके बिना संगणक की दुनिया अर्थहीन होती है, और शून्य जिसके बिना एक का कोई अर्थ नहीं होता। और इस शून्य की खोज की थी एक भारतीय ने, और इसका पहला लिखित प्रमाण पाया गया था ग्वालियर में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, एक कथा जो पृथ्वी पर सबसे धार्मिक स्थान के बारे में है, एक राष्ट्र जिसमें मानवीय दौड़ पली बड़ी है, जो वाणी का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी और परंपरा का व्यवस्थापक है। भारत में आपका स्वागत है। मेरी कथा ग्वालियर के बारे में है। ये नगर जो अपने विशाल ऐतिहासिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। मुझे पता है कि इतिहास आप में से कईयों के लिए चित्रांजक नहीं है, इसलिए यहाँ मेरे पास कुछ नया दिखाने के लिए है। मैं इसे द्विपैमाना या द्विसामायिक संरचना कहता हूँ। चित्रपट के बाएं ओर समय का पैमाना है और दाएं ओर उन सभी सम्राटों का पैमाना है जिन्होंने ग्वालियर के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे जैसे दोनों पैमाने बढ़ेंगे, मैं आपको ध्यान देने योग्य जानकारी बताता रहूंगा। पैमानों के चलने की सापेक्ष गति से आप तत्कालीन सम्राटों के राज्यकाल की कल्पना कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करें। किले का इतिहास स्थायी रूप से ग्वालियर के तत्कालीन सम्राटों से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक अनुसंधानों से जानकारी मिलती है कि किले का निर्माण 727 ईस्वी सन में हुआ था, परंतु कुछ लोग मानते हैं कि किले का निर्माण 275 ईस्वी सन में हुआ था। इसका प्रारंभ एक स्थानिक मुखिया सूर्यसेन कचवाहा के द्वारा किया गया था, जो एक सिहोनिया नामक ग्राम के मुखिया थे, जो किले से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक शिकार अभियान पर कचवाहा ठाकुर सूरजसेन एक ग्वालिप नाम के तपस्वी से मिलते हैं, जो ठाकुर को पास ही स्थित सूरज कुंड का जल देते हैं, जिससे उनके कुष्ठ रोग का उपचार हो जाता है। सम्राट सूरजपाल ने 36 वर्ष शासन किया, उनके पुत्र रसकपाल ने 1 वर्ष और उनके पुत्र नरहरपाल ने 11 वर्षों तक शासन किया और एक शिकार अभियान में मारे गए। नरहरपाल ने महादेव मंदिर का उत्थान किया और नरहरतेला ग्राम की स्थापना की। उनका अनुगमन अमरपाल ने किया और उनका उनके पुत्र भीमपाल, जिन्होंने भीमेश्वर महादेव मंदिर का उत्थान किया। भीमपाल ने 36 वर्षों तक शासन किया और उनका अनुगमन गंगपाल ने किया, जिन्होंने 21 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने प्रसिद्ध गंगोला झील का निर्माण किया। राजपाल ने 10 वर्षों तक शासन किया और उनका अनुगमन किया भोजपाल ने, जिन्होंने 9 वर्षों तक शासन करते हुए चतुर्भुज राय के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया, जो भगवान कृष्ण की अभिव्यक्ति है। एक ही शिला पर बने होने के कारण ये प्रसिद्ध है। भोजपाल का अनुगमन उनके पुत्र पदमपाल ने किया, जिन्होंने 9 वर्षों तक शासन किया और उनका अनुगमन अनेक राजाओं ने किया। तो आप देख सकते हैं कि ये सूची कितनी विशाल है। पाल राज्यवंश ने ग्वालियर को 900 वर्षों तक शासित किया। ग्वालियर का शासन फिर परिहार कुल को स्थानांतरित हो गया, लेकिन वे अधिक वर्षों तक शासन नहीं कर पाए। सन 123 में महमूद गजनवी ने किले पर आक्रमण किया, परंतु सफल नहीं हुआ। सन 1196 में एक बहुत लंबी घेराबंदी के बाद भारत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किले को अधिकार में ले लिया और वो ही इसे सन 1211 में हार गया। किले को सन 1231 में फिर से दिल्ली के गुलाम वंश के शासक सुल्तान इल्तुतमिश ने अधिकार में ले लिया। जब तिमुरलेन ने दिल्ली पर हमला किया, जिससे क्षेत्र में अराजकता उत्पन्न हुई, तो एक हिंदू मुखिया सरा सिंह राव ने किले पर अपना अधिकार जमा लिया। अंत में किला सिकंदर खान के अधिकार में आ गया, जिन्होंने कुछ समय तक शासन किया, जिसके बाद तोमर कुल का शासन आ गया। सन 1519 में इब्राहिम लोदी ने किले को नियंत्रण में ले लिया। उनकी मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बाबर ने हालातों का फायदा उठाते हुए किले पर नियंत्रण ले लिया, परंतु उनके पुत्र हुमायूं की शेरशाह सूरी के हाथों पराजय के बाद किला सूरी राजवंश के अधिकार में आ गया।
शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इस्लाम शाह ने ग्वालियर को राजधानी बना दिया, क्योंकि ग्वालियर अधिक सुरक्षित था क्योंकि दिल्ली पर पश्चिम से बार बार आक्रमण हो रहे थे। सन 1553 में जब इस्लाम शाह की मृत्यु हुई तो उनके अवलंबी आदिल शाह सूरी ने हिंदू योद्धा हेमू, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, को प्रधानमंत्री सह सेनापति नियुक्त कर दिया। आदिल शाह स्वयं चुनार चले गए, जो और अधिक सुरक्षित था। आदिल शाह ने किले से बहुत युद्ध लड़े। किला सन 1553 से 1556 में बहुत ही सक्रिय रहा, क्योंकि यहां से हेमू ने 22 युद्ध जीते और एक बार भी पराजय का सामना नहीं किया। फिर अकबर ने किले पर अपना अधिकार कर लिया और इसे महत्वपूर्ण कैदियों के लिए कारावास बना दिया। इस कारावास में बहुत से शाही कैदियों को मृत्युदंड दिया गया। किले के उत्तर में महाराजा भीम सिंह राणा की कब्र है, जो गोहाड़ राज्य के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। मराठों और जाटों के बीच किले को जीतने के लिए एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें जाट जीत गए और किला जाटों के अधिकार में आ गया। भीम सिंह राणा ने किले पर सन 1740 से 1756 तक राज किया। उनके उत्तराधिकारी महाराजा छत्र सिंह राणा ने महाराजा भीम सिंह राणा की याद में ये कब्र बनवाई। सन 1779 में इसे मराठा साम्राज्य के सिंधिया घराने ने जीत लिया, जिन्होंने यहाँ एक गढ़ सेना स्थित की, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। 1784 में महादाजी शिंदे, मराठा साम्राज्य के सेनापति, ने फिर से किले को हासिल कर लिया। सन 1808 से 1844 तक किले का शासन अंग्रेजों और सिंधियों के बीच परिवर्तित होता रहा। सन 1844 में महाराजपुर के युद्ध के बाद किले का शासन फिर से सिंधिया के हाथ में आ गया। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई और मराठा विद्रोहियों के एक समूह ने किले को सिंधिया के शासकों से छीन लिया। केंद्रीय भारतीय क्षेत्र बल, जिसका निर्देशन जनरल हग रोज कर रहे थे, तुरंत ग्वालियर की ओर बढ़ी और किले पर हमला किया। 16 और 17 जून 1858 को हुए युद्ध में रानी ने झांसी की सेना का नेतृत्व किया और ग्वालियर की सेना को पर्वती रास्ते की सुरक्षा करने का आदेश दिया, जो किले और नगर के बीच है। रानी की मृत्यु 17 जून को युद्ध के दूसरे दिन हुई। और आज हम सभी यहाँ किले की महिमा को महसूस कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम उन लोगों के बारे में कितना जानते हैं जिन्होंने किले को बनाया, इसे जिया और इसके लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो ये थी मेरी कहानी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आइए अब किले के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। ये है ग्वालियर किले से ग्वालियर नगर का दृश्य। जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि किला 8वीं सदी में बनाया गया था। ये किले का और एक चित्र है, जो निर्माण में इस्तेमाल हुए नीले संगमरमर को उजागर करता है, जो बहुत ही सुंदरता से नीले आकाश का प्रतिबिंब बनाता है। ये किले का मुख्य द्वार है, इसे गज द्वार के नाम से भी जाना जाता है, शायद इसलिए कि ये बड़ा ही विशाल है। ये किले का चित्रमाला संबंधी दृश्य है, आप देख सकते हैं कि ये कितना विशाल है। ये कुछ चित्र हैं जो किले की भाव्यक्ता को व्यक्त करते हैं।
तो ये था ग्वालियर किला। इसके इतिहास के बारे में आप लोगों को बता पाने का मुझे अत्यंत हर्ष है। आशा है आपको भी किले के बारे में जानके हर्ष का अनुभव हुआ होगा।